चर्चा नहीं करना है, पुरानी बातों पे चर्चा नहीं करना है। आज के बाद नहीं याद करना, बीते हुए कोई भी बात को, आप लोग का बीता हुआ दिन अच्छा नहीं है, सब खत्म कर, ठीक है ना। आज नए सिरे से तुम लोग का जिंदगी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। हम आ गए हैं और एक बात बताते हैं कि जहाँ हम लोग पहुँच जाते हैं वहाँ पे जीवन में कलेश नहीं रहता है। हम तेरे लिए भी है, तुम बटने वाला फोन इसको दे देना, चार्ज हमेशा होते रहना चाहिए। क्या क्या बोली, जोन मोबाइल चाहिए तो चाहे करिएगा दादागिरी, क्या करेंगे स्मार्टफोन ये गलत बात है, उनका परिवार है। टुकर पट्टी लाद देते हम रहना चप्पल उड़ा देंगे, फोन के लिए भेज देंगे, वही बात है। तो उसी का प्रॉब्लम का हल करेंगे ना आप, उनका बेटी पर मत कर, हमरा पर चप्पल मत लो, हमरा लड़की की तो मर रहा, तुम्हारा हम पर चप्पल मत लो, हां हमरा मालिक पर चप्पल मत देलो, हां एकरा ससुराल में बैठ के हमरा पर चप्पल मत, कोन मोर लोग जाकर छोट में जरा पूछ ली, जब मरल है कि ना मरल है, एक घर में जरा पूछ ली, जाके पूछ, खाली अपना घर में पूछवाई, दूसरा अगल बगल पूछवाई तब समझ जाएगी। हाँ लड़की से ज्यादा लड़की के माँ को तकलीफ है, तो वही बोलिए ना जो उचित है, वही बोलिए जो उचित नहीं, वही बोलिए जो उचित है, कुछ भी मत बोलिए, कुछ भी मत बोलिए। हाँ तो वही बोलिए, आइए मुखिया जी सामने आइए बैठिए, मुखिया जी आ गए, मुखिया जी आ गए, हाँ दीजिए कुर्सी दीजिए, तो दीजिए इधर कुर्सी दीजिए, कुर्सी लिया दीजिए, इधर बैठेंगे, मुखिया जी देख लो नया पलंग किन के लिया गए, निदान तो इनसे पूछा गया, हम लास्ट में पूछे इनसे जाना है, तो हम लोग थोड़ा चाहते हैं कि मान लीजिए कि दोनों अलग अलग हो, इनसे पूछे तो ये बोल रहे थे कि हमको वहाँ नहीं जाना है, अभी तो बोल रही है हमको जाना है। ये बताइए 81,000 में 80,000 में किसको तलाक हो जाता है, एक बची है, बची को कुछ हम बोले ना, बची के निदान कुछ निकाल के तब निदान बोलो जी, याद है बात सुनो, बोलो हमने के झूठ ना बोले तो सुन, बोले बात सुन, पंचायती जो बोल रहे दस आदमी हो जी गए, दस आदमी हो जी गए पंचायती बोल रहे, तो हम कहली जे ना पहले लड़की के बात जब ना रहे तो लड़की के मैंने कौन व्यवस्था होगी, बाप है चाचा है लगे दूसर के लगे बतिया सुन को पहले सामान कहे के चाहिए, सामान बोल हम लदवा कर नि नो हम कर के नो लदवा कर हम से बोला नहीं मैं मुझे समझ हमने का देखा करू छका ऐसा कौन बोला था, इनके बाद इनके बाबूजी बोले थे, इनके बाबूजी है बहुत तमसने वाले व्यक्ति हैं, अभी फोन पर से बात किया तो बहुत बार पिक अप सामान हो जैसे आई एजिया के हम उतरवा नहीं, इन मैंने फाटल लोगों को सामान रहा है बर्तन है सब बर्तन में से निकाल ले, चलिए हम कब्जा तू कहीं पहले बात चलिए कब्जा में चलिए हम सामने सामान उतराए जोन दे रहे सब सामान पलंग पलंग नया किन के ले ले पलंग वो नया किन के ले ये बताएं नामा बना था वकील के पास बना था, देखिए तो वकील के पास तो कागज होगा ना, वकील के पास है दोनों आदमी का, सुनिए बात पहले सुन लीजिए, दोनों आदमी का 82,000 रुपए का बात हुआ, अच्छा नगद मैंने 82,000 रुपए नगद और सामान टोटल दे देना है, उसके बाद केस खत्म हो जाएगा, अच्छा 82,000 रुपए दे दिए हमको, दे दिए आपको, हमको दे दिए 82,000 रुपए, हम कहे कि भाई हम बिना केस खत्म हुए हम पैसा नहीं देने, सामान तो हम दिला दिए बिल्कुल, लेकिन आप चल के बयान दीजिए, इनको बोले कि चल के बयान दीजिए, इनके पिताजी से बोले कि बयान दिवा दीजिए, एक तो तारीख का बयान दिवा दीजिए कि हम नहीं रहना चाहते हैं,
उसके बाद हम पैसा दे देंगे वहाँ। तब क्या बोले इनके पिताजी? इनके पिताजी बोले तो 5-7 दिन के बाद बोले कि ना हमको विदेश जाना है, पैसा हमको दे दीजिए। सब गलती बात है, मुखिया जी कम गलती बात नहीं, कम गलती बात नहीं, हम आपके कैसे ले ले बानी। अच्छा ठीक है, पहले बोलती है मुखिया जी से ऐसे मत कीजिए बात। हां ये कभी शिष्टाचार कम से कम सीखिए, शिष्टाचार। हां कचहरी में बनी हो, कचहरी में बनी। अच्छा ये वकील साहब को है 50,000 रुपया मुखिया जी पहले दे दी। ना ना टोटल पैसा करो ना थको पैसा दे दिया, टोटल पैसा करो ना थको। हम कहे कि 50,000 रुपया हम देते हैं, इनको बुलवाए इनके पिताजी को दुआर पर, कहे कि ना मुखिया जी सब दे दीजिए। अच्छा हम कहे कि इनसे बिना पूछे हुए हम कैसे सब दे देंगे, उसके बाद हम दौड़ते बिना कोई आधार का। हाँ बिना कोई आधार का पैसे हम पिछवालिया है, अभी चल के बयान दीजिए, अभी पैसा ले लीजिए। उसके बाद हम जब ही लोग इधर उधर करने लगे तो हम इनको कहे भाई अपना पैसा ले लीजिए, जैसे इनको पूछे दे दिए हैं इनको। अच्छा ठीक है, पैसा लौटा दिए हम कहे लगे। जो आपके वकील सारी चीजों को देखे हैं, उन्हीं का वकील शिवान है, शिवान है इन्हीं के वकील से बात है। आपका नंबर है, उनको बुलाइए, उनका कागज क्या बना है, किस तरह का कागज आ जाएंगे। सिवान को ज्यादा दूर है नहीं। अच्छा वकील साहब का कागज है, देखो तो गलती कागज बनवा देगा तो मान लेंगे वो। तुम रहना चाहती हो? हाँ। तुम जाना चाहती हो ना? ननद तुम्हारी तीनों रहती है, ननद तुम्हारी तीनों भाई। देखो दो शादीशुदा है, वो नहीं रहेगी, दो शादीशुदा बहन फंक्शन में आ सकती है। ऐसा नहीं है कि रहने का कोई तरीका है कि तुम अपनी भाभी को परेशान करो, लेकिन जो तलाकशुदा ननद है वो रहेगी। किसी का लड़की कोई चैट नहीं देगा घर से, आना जाना जैसे एक तरीका होता है। हेलो शादी भी हो जाए तो अपने घर जाए, घर जाए। हाँ तुमसे कोई बदतमीजी नहीं करेगी, फालतू के वो बात भी नहीं करेगी, ठीक है ना। देखिए एक बच्चा है, बच्चे के बारे में सबसे पहले सोचना चाहिए। देखिए आने वाला जो हमें भविष्य जो जनरेशन है, बताइए मुखिया जी, अगर ऐसे छोटी छोटी बातों पे तलाक होने लगेगा, तलाक तो बहुत खराब। हिंदू धर्म में तलाक पहले था भी नहीं, पता नहीं कहाँ से ये कल्चर आ गया और मजाक बन गया है रिश्ते। बताइए इन बच्चों को, किसी बच्चे को माँ मिलेगा तो किसी को बाप नहीं, किसी को बाप माँ की बच्चे क्या बड़ी चिंता होगा। उसमें लिखा हुआ है तो हम लोग का यही फर्ज है कि रिश्ते को बचाना। लड़की का टोटल खर्चा ही देंगे, कब तक देंगे, फिर इनकी शादी करेंगे, फिर इनकी पत्नी का प्रेशर आ जाएगा, वोट किसको देता है। संभव नहीं है, संभव नहीं है, ये सब सिर्फ बातें बात रह जाती है, जिंदगी भर नहीं चलती है। इसलिए प्रथम पहल यही होना चाहिए, बसा लेना, ताकि इस बच्चे को पिता का भी प्यार मिले और ये लोग एक अच्छा जीवन जिए। अरे मानते तलाक होकर दूसरे पति के पास जाएगी, वो इज्जत से रखेगा, फिर बोलेगा तुमको पहला पति इसने तुमको निकाल दिया था कि तुम बदतमीज थी, उस समय भी फिर दर्द, फिर तीसरे के लिए, तो क्या ये मजाक ही बन जाएगा। इसलिए तुम्हें भी बोल रहे हैं कि अपने जीवन को मजाक, देखो तुम्हारी माँ अपनी जिंदगी जी रही है, बात समझ लेना, तमस में तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होगी। तुम्हारे पिता में भी बहुत तमस है, बात से मैं पकड़ ली हूँ कि बहुत तमस वाले व्यक्ति, तो जिंदगी तुम्हारी है, पति तुम्हारा है, गृहस्थी तुम्हारा है, तुम डिसीजन लो कि दुख सुख सह कर भी हम अपने ससुराल में बस के दिखाए। कोई इतना पशु और जानवर नहीं है कि कोई तुमको मार देगा, ठीक है ना। तुमको मार के कोई बच जाएगा क्या? कभी नहीं बच पाएगा, इसलिए तुमको चर्चा नहीं करना है, पुरानी बातों पे चर्चा नहीं करना है। आज के बाद नहीं याद करना, बीते हुए कोई भी बात को, आप लोग का बीता हुआ दिन अच्छा नहीं है, सब खत्म करो, ठीक है ना। आज नए सिरे से तुम लोग का जिंदगी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। हम आ गए हैं और एक बात बताते हैं कि जहाँ हम लोग पहुँच जाते हैं जीवन में कलेश नहीं रहा है, हम तेरे लिए भी है, छू भी देगा ना तुम हमको, बस मोबाइल देगा, ठीक है। तुम बटमे वाला फोन इसको दे देना, रिचार्ज हमेशा होते रहना चाहिए, क्या
क्या बोली? जौन मोबाइल चाहिए तो चाहिए करिएगा दादा गिरी, क्या करेंगे स्मार्टफोन लेके? ये गलत बात है, उनका परिवार है, वो कहेंगे वो कैसे रहेंगे? थोड़ा सा बात व्यवहार करेगी, स्मार्टफोन तो किसी के पास नहीं रहना चाहिए, बेकार लोगों के पास स्मार्टफोन रहना ही नहीं चाहिए। उनका बहन छोड़े ना, उनकी बहिया जब फंसेगी जाने का, उसको अच्छा बनना है, उसको अपना गृहस्थी बचाना है। बाबू तुमको स्मार्टफोन की जरूरत ही नहीं है, आजकल इतना इसमें लफड़ा है कि लफड़ों से बचो, बच्चा को पालो, टाइम से खाना तो देखो, तेरा पति कितना दुबला गया है, तुम लिए हो, चलो अच्छा हो, दोनों का जोड़ी अच्छा है, दुबली दुबली हो, अच्छा से दोनों बनाना खाना, दोनों एक साथ मोटा जाओगी, है ना, एक साथ है मोटाना, ठीक है ना। ये भी तुमसे बहुत प्यार करता है, अच्छा इंसान है, रह गई शरीर में थोड़ा मुड़ा है, पहले मेरे पास शरीर में थोड़ा मुड़ा है, तो देखो हमी जा रहे हैं, हमी को कोई ठोकर मार देगा, एक पर्सन लड़ाई शरीर का कोई सबसे ज्यादा तकलीफ सासू जी को है, क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता है, तो ये सब कुदरत का दिया हुआ है, तो कभी चेहरे पर मत जाना, किसी के दिल पर जाना और इंसानियत पे जाना, ठीक है ना। वो हम जान रहे हैं कि तुम जाने के लिए तो तुम इसको एक्सेप्ट भी कर रही हो, लेकिन फिर भी एज ए तुम्हारी माँ तो इतना प्यार से तुमको सिखाएंगी नहीं, पहले जब जानकी जी ससुराल तो बोले एक तमाचा मारेगा दूध घीस देना उल्टा के, जानकी जी ससुराल जाती है तो उनकी माँ पति के इशारे पर ही काम करिए। सीता माँ के क्या वो बताए थे, यही उनकी माँ बोली थी कि ससुराल में सबको इज्जत करना बेटी, और सास ससुर को सम्मान करना, लेकिन आजकल के माँ कहती है नहीं, हमार बेटी के जे मोबाइल स्मार्ट पसंद है वही लेगी। तो ये माँ है, ये कलयुगी माँ है, कलयुगी माँ का दर्जा मिलेगा, सतयुगी तो आप नहीं है ना, हमने समझ गए ना, हमने ससुराल में ना के सुनूं, अच्छा नहीं कुछ मालूम ना भाई, नहीं नहीं इनको ये अभी नहीं पता है सतयुग कलयुग, आगे बात कीजिए। मेरा ये कहना है आज भी हमारे बेटी में कोई एक दिन आए लोग मुश्किल होला दूध के खुले कहा। अच्छा सुनिए, दो बेटी ससुराल में पड़ी है, आपका हाई कोर्ट का केस सफल हो गया, सफल हो गया, सफल आया ना झुके, आपके पास आया ना झुके, सुधर गया, जब तक हम ओजी से ना आदेश ले तब तक हम विदा ना कर कोई जाए तो, जब तक हम ओजी से आदेश ना ले तुम विदा ना कर, तुम विदा होगी कि ना विदा चलो, मम्मी बोल रही है कि जब तक तुम्हारे पति को जेल नहीं होगा तब तक ही नहीं विदा करेगी, लड़की को सफल नहीं, पति को जेल भेज के ससुराल जाओगी, बोलो तो तुम्हारी माँ तो करेगी, तुम विदा नहीं खींच सको, आप इसमें विदाई नहीं लोगे, आप कब विदाई लोगे बोलो, हम पटना हाई कोर्ट से पूछ ले तब विदा कर, पटना हाई कोर्ट आया था शादी करवाने के लिए, मतलब क्या मैं बोलूं, लड़की जाने के लिए तैयार, लड़का ले जाने के लिए तैयार, लेकिन माँ का ये फैसला है हाई कोर्ट से, जब तक नहीं बातों पर बोले क्या क्या बीस साल बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया, शादी किया, तकलीफ नहीं हुआ, और 3 साल रख ली दे दिक्कत हो गया, छोड़ी से लगे अभी को आता देखी। अच्छा आपको क्या लग रहा है, क्या बहुत तेज है और हम लोग बेवकूफ हैं, सरपंच जी को हम बताते हैं, सुनिए सरपंच जी आपका इतना आप वैल्यूएबल व्यक्ति है कि यदि आप एक लिख के भी दे दीजिएगा ना कि ये लोग बात नहीं सुनता है और लड़का हर तरफ से तैयार है, ऑटोमेटिक इसको गोल कर, मेरी बात सुनिए, आप इसको खाली सपोर्ट कर दीजिएगा देंगे तो इसका बेल हो जाएगा और कभी इसको कोई सजा नहीं होगा, आप जिस मूर्खता को दर्शा रही हैं, अरे सजा ऐसे भी नहीं होगा, सुनिए मैडम हो जाइए ना, तो इसको लग रहा है ना ये बहुत ज्यादा काबिल।